पांच के आगे जीरो लगाए, छह के आगे जीरो लगाए, इधर वाले नहीं बोल रहे हैं, सात के आगे जीरो लगाए, आठ के आगे जीरो लगाए, नौ के आगे जीरो लगाए और दस के आगे जीरो लगाए तो सौ इधर हमने एक से लेकर सौ तक के अंक लिखे और इधर भी हमने एक से लेकर नौ तक अंक लिखे और आगे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको हम दस लिख सकते हैं, ग्यारह लिख सकते हैं, बारह भी लिख सकते हैं, तेरह भी लिख सकते हैं, उसके आगे भी जीरो बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस एक अंक के आगे हमने जीरो लगाया तो दस हो गए, जैसा कि आपने बताया हमें, और इधर हमने एक से लेके नौ तक की अंक लिखे हैं। केवल हमें क्या करना, कुछ नहीं, जोड़ की जो हमारी अवधारणा उसको क्लियर करते हुए चले गए हैं। तो ये हम गिनती सीख बहुत आसानी से हम गिनती सीख जाएंगे। यहाँ पर हमारा दस है, जैसा कि आपने सब बच्चे जानते दस बीस तीस चालीस, ऐसा तो नहीं है कुछ बच्चे नहीं जानते। दस में एक जोड़ना है, दस में यहाँ पे हमें एक ही जोड़ के रखते जाना है। तो दस में हमने एक जोड़ा तो यहाँ कितने हो गए बच्चे? अच्छा आप बताइए, दस में दो जोड़े तो कितने हो गए? अच्छा दस में चार जोड़े तो कितने हो गए? अच्छा दस में सात जोड़े कितने हो गए? अच्छा दस में आठ जोड़े कितने हो गए? अच्छा दस में नौ जोड़े कितने हो गए? 19 हो गए। अब यहाँ पे ब्लैंक है, ये क्लियर हो गया उनको। अब इसके बाद ये ब्लैंक में रखेंगे उंगली, आपको बताएंगे कि पहले डिब्बे में क्या खाली है, लेकिन आपको बताना क्या, अपने दिमाग को थोड़ा सा जोड़ देना है और आप गिनती को स्वयं बताएंगे कि यहाँ पर कितने इंच है। केवल मैं उंगली रखूंगा, ये ब्लैंक है, आपको बताना पड़ेगा कितना लिखूंगा। सर जी से कहूंगा मैं यहाँ पर कितना, केवल आपको इसमें दस में एक जोड़ के बताना है यहाँ क्या लिखा है। इस डिब्बे में लिखना जोड़ का बस एक एक के दो है, एक एक के दो है, एक जी आएगा और एक जी आएगा। तो सर ने बताया एक ग्यारह यहाँ से और एक यहाँ से आ गया, तो एक एक बराबर करने से कौन सी संख्या बनी हमारी?